मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में देना बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी जताया दुख। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राखी जी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी री बैठक। राज्यपाल मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत री मौत ने बताया कदे नहीं भरियो जा बड़ो नुकसान। ट्विटर जरिए जताया दुख। हादसा में झुंझुनूरा स्क्वाडर लीडर कुलदीप सिंह राव री मौत माले भी जताया दुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 बरस से बत्ती उम्र आला सगला लोगों के टीका रो लक्ष्य पूरा करवा दीना हुकम। कोविड 19 संक्रमण की स्थिति माले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ने कर संबोधित। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत राखी जा शिविर में बांटा पट्टा। अधिकारियों ने आपसी मेलजोल के जरिए अभियान ने सफल बनावा दीना हुकम। आर प्रदेश में घनकरी जगह तापमान में कमी के कारण जाड़ा में बढ़ोतरी। शेखावाटी राफतापुर में पारो जमाव बिंदु रे आर सारे। राजधानी जयपुर में पारो पुग्यो 10 डिग्री सेल्सियस माथे। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। तमिलनाडु रा कुंडूर में विया हेलीकॉप्टर हादसा में तीसरा पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत री मौत माले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान दीना। वे कहा कि हादसा में 14 में से 13 जना की मौत वेगी है जबकि हादसा में गंभीर रूप से घायल सेना अधिकारी रो वेलिंगटन रा सैन्य अस्पताल रमाए इलाज जारी है। रक्षा मंत्री कहा कि हादसा की जांच रा हुक्म दिया जा चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हादसा वाले दुख जतावता थका कहा है कि बिपिन रावत सशस्त्र बल और सुरक्षा तंत्र आधुनिकीकरण खातर आपरो महत्व जोगो योगदान दीना। मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वाले वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लायंस नायक विवेक कुमार, लायंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राइस सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी अप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। और कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसा मामले में अभी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स हादसे वाली जगह से बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब हादसे के कारणों के साथ साथ इससे कॉकपिट में हुई बातचीत का भी पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। सीडीएस विपिन रावत रिमोट रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक रखी थी। बैठक रमाए गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। बैठक में जनरल विपिन रावत रा राष्ट्र खातर दिया गया अतुलनीय योगदान ने याद करे हुए ऐसा योद्धा जो ऊंची चोटियों पर लड़ने और दुश्मनों के दांत खट्टे करने की कुव्वत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को काल के गाल में भेज दिया। याद कीजिए जून 2015 में जब मणिपुर में नागा विद्रोहियों ने 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी, तो म्यांमार में भारतीय सेना ने सरहद पर कार्रवाई कर नागा विद्रोहियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। जाबाजी की इस कार्रवाई पर दुनिया भर में भारतीय सेना की बहादुरी का एक बार फिर से लोहा मनवा दिया गया था। इन उपलब्धियों के पीछे से खतरनाक माने जाने वाले स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो थे, लेकिन इस टुकड़ी की कमान थी जनरल रावत के हाथों में। साथ ही पीओके की धरती पर सितंबर 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीतिक तैयारियों में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। जनरल बिपिन रावत की शानदार उपलब्धियों में शामिल है नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बटालियन की कमान संभालना, वहीं संवेदनशील माने जाने वाले कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन में बतौर कमांडिंग ऑफिसर उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। जनरल रावत की बहादुरी की दास्तान देश की सीमाओं के पार से भी जुड़ी है। अफ्रीका के कांगो में हिंसाग्रस्त इलाके में शांति सैनिक के तौर पर न सिर्फ उन्होंने साल 2008 में इंडियन ब्रिगेड की अगुवाई की, बल्कि आज भी उनकी नेतृत्व क्षमता के उदाहरण दिए जाते हैं। इन सबसे बढ़कर उन्हें याद किया जाएगा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होने के नाते, जिसकी कमान उन्होंने 1 जनवरी 2020 को संभाली थी। भारत के इतिहास में ये एक बड़ा कदम था, जहां कोशिश थी कि भारतीय सैन्य शक्ति को ज्यादा घातक बनाया जाए। जनरल बिपिन रावत के खून में ही देश सेवा और मर मिटने का जज्बा जैसे घुला हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि उनके पिता खुद भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को जन्मे बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। उसके बाद 1978 में इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया और जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया, इसलिए उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। 1978 के दिसंबर में बिपिन रावत की सेना में कमीशन हुई और वो हिस्सा बने 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन की, वो गोरखा बटालियन जिनकी बहादुरी के किस्से अब तो किंवदंती बन चुके हैं। अपने पूरे कार्यकाल में 10 सालों तक उन्होंने सरहद पर घुसपैठ और हथियारबंद संघर्षों से जमकर लोहा लिया, जिसमें पहाड़ों की दुर्गम पोस्टिंग भी शामिल है। इसी दौरान वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरोंगचू घाटी में तब कर्नल के रूप में तैनात जनरल रावत उस बटालियन का भी नेतृत्व कर रहे थे जिसने हमला कर रही
चीनी फौज से लोहा लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। बिपिन रावत सेना में शामिल होने के बाद अनेक पदों पर रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी उनकी तैनाती हुई। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर। इसी के साथ अपने 4 दशकों की सेवा में जनरल रावत ब्रिगेडियर कमांडर जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, इन जैसे पदों पर सेना में रहे। फिर वो दिन भी आया जब 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने थल सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला। उसके बाद सीडीएस पद तक पहुंचे। याद कीजिए जनरल रावत के सीने पर चमकते मेडलों को, जो दरअसल में उनके योगदान की चमक थे। जनरल रावत सेना के सबसे डेकोरेटेड अधिकारियों में से थे। उनकी सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, साथ ही थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया जा चुका था। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनकी जिम्मेदारी थी भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर सेना के तीनों अंगों को तैयार करना, सेना के आधुनिकीकरण को नई दिशाएं देना, जिसके संकेत भी मिलने लगे थे। और इसी का नतीजा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का पताका लहराना शुरू भी हो चुका था। ये देश उन्हें याद करेगा एक ऐसे सैनिक के रूप जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, एक ऐसा जाबाज जो आखिरी दम तक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत रे मौत माला गहरो दुख जताया है। आपरा शोक संदेश में राज्यपाल सीडीएस श्री मौत ने सेना और देश खातर बड़ी हानि बताया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसा में राजस्थान रा झुंझुनू जिला रा घड़साना खुर्दरा रैनिया स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव री भी मौत वेगी है। कुलदीप सिंह री मौत सोमवार पैतृक गांव और जयपुर निवास माड़े दुख रो माहौल है। में बहुत ही इंटेलिजेंट था और वो अभी कोयम्बटूर में पोस्टेड था और सीडीएस बिपिन रावत का जो उसको स्टाफ कॉलेज में जाना था वहाँ के लिए वो उनके साथ में को पायलट था, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर और बाद में हमारे को जानकारी मिली कि उसमें जितने भी लोग थे वो नहीं बचे। परिवार में उनके एक बहन है, वो इकलौता भाई था, माता पिता हैं और शादीशुदा हैं। अभी 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। परिवार जयपुर में रहता है, बाकी उनके भाई गांव में रहते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में डिप्टी कमांड के पद पर कार्यरत है। पिता भूतपूर्व नौसैनिक है। राज्यपाल कलराज मिश्र तमिलनाडु रा कुन्नूर में विया सेना रा हेलीकॉप्टर हादसा में राजस्थान रा झुंझुनू रा घड़साना खुर्दरा रैनिया स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव की शहादत वाले दुख जताया है। राज्यपाल ईश्वर सु पुण्य आत्मा ने शांति देवा और परिवार आला ने वासु बिछड़वारो दुख सहन करवारी शक्ति देवा खातर प्रार्थना कराया है। वटे ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पहली आला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कुलदीप सिंह री मौत माड़े ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर जिला में स्वास्थ्य केंद्र माता गर्भवती लुगायरा स्वास्थ्य की जांच करी जा रही है। अभियान के तहत जयपुर जिला में भी स्वास्थ्य केंद्र माथे जापा से पहले जांच, वजन, खून की जांच समेत मुफ्त दवाएं बांटी जा रही है। गांधीनगर यूपीएससी प्रभारी डॉक्टर पूनम प्रसाद के मुजब अभियान के तहत गर्भवती लुगाया ने जापा से पहले जांच कर जापा के दौरान वह बड़ा खतरा से बचाव नो है। 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच होती है, जिसमें उनके रूटीन के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड प्रेशर, वेट वगैरह, प्लस उनका जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसकी जाँच होती है और उससे रिलेटेड उनको पूरी बताया जाता है, और अगर कोई जोखिम कारक होता है तो उनको
पहले से ही समझाया जाता है और उनको संस्थागत प्रसव के बारे में प्रेरित किया जाता है और इससे रिलेटेड उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ मैं हर महीने की 9 तारीख को आती हूँ। यहाँ पे मेरा बीपी हर चीज़ नापा जाता है, वेट नापा जाता है और मुझे दवाइयाँ हर महीने दी जाती है और अच्छी सुविधा है यहाँ की। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, हम हर महीना 9 तारीख को आते हैं, यहाँ पर जाँच की जाती है, दवाइयाँ मिली जाती है फ्री में, यहाँ पर वेट नापा जाता है, बीपी नापा जाता है, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। खबर हाल और भी है, पॉइंट पे लिया अंतराल। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hear gravity in physics, don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खबरों में आप फिर स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा ने प्रदेश में 18 बरस और 132 उम्र लोगों को पूरा टीकाकरण तय कर बारा हुक्म दिया है। कोविड 19 संक्रमण की स्थिति माले राखी जी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलता था का मुख्यमंत्री कहा कि जहाँ जिला में टीकाकरण में तेजी लाबारी जरूरत है, वह जनप्रतिनिधियां, स्वयंसेवी संस्थाओं र सहयोग से लोगों में टीकाकरण खातर जाग जगाई जावेली। मुख्यमंत्री कोरोना से बचाव खातर स्वास्थ्य महकमा ने और 32 सावचेत रह बारा हुक्म देना है। देश में चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान के तहत अबारताणी 130 करोड़ 39 लाख से बत्ती कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुसार जारी आंकड़ा के मुजब लाला 24 घंटा के दौरान देश भर में 80 लाख से बत्ती टीका लगाया गया है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। और देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 130 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 327वें दिन 80 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी गई हैं। प्रदेश में कोरोना का मामला में फिर बढ़ोतरी बैरी है। लाड़ा 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 40 नवा मामला सामने आया है। या में सबोपति जयपुर में 25, अलवर और हनुमानगढ़ में 4, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में 2, वठे बीकानेर में 1 मामलो दर्ज करे गयो है। आज जारी आंकड़ा के मुजब जयपुर जिला में 17 नवा मामला सामने आया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक महकमा कानिसु पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रही है। अभियान के तहत पंडरिया सु प्रधानमंत्री के नाम न्यारा न्यारा विषय माथे पोस्ट कार्ड लिखकर भिजवाया जा रहा है। डाक महकमा रा नगर मंडल प्रबंध अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि कक्षा 412 तानी रा पंडरिया इन अभियान से जुड़ सके है। वे बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने नायक और 2047 में मेरा भारत की परिकल्पना महसूस कोई भी एक विषय बात है अपना विचार लिखकर भेजना वाला। प्रतियोगिता में आपसे प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूँ। 2047 के भारत में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। हम न केवल टेक्नोलॉजी में बल्कि सैन्य शक्तियों में भी हमारा देश विकसित बनना चाहिए। हम फिर वापस विश्व गुरु कहलाने चाहिए और हमें है ना धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष योजनाओं में भी हमें प्रथम रहना है और हमें हमारी है ना कानूनी व्यवस्था को भी थोड़ा सही करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा भारत देश हमेशा से ही महान रहा है। मैं अपने भारत देश को 2047 में यानी उस वक्त हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उस वक्त मैं अपने देश को
दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। और आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में पत्र लेखन पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री जी से अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। और जो हमारा विषय है आज़ादी के बाद 2047 का भारत, इस पर हमारे विचार है कि आज़ादी के 100 साल बाद में हमारा भारत सबसे शक्तिशाली होना चाहिए और हमारे जो विज्ञान है वो अति उन्नत होना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डाक विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखने का कैंपेन स्टार्ट किया है। इस कैंपेन में 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक सभी स्कूल्स में 4th class से लेकर 12th class तक के बच्चे प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिख सकेंगे। प्रधान बच्चे 2 विषयों पर पोस्टकार्ड लिख सकते हैं, एक तो भारत की आज़ादी में जो भी गुमनाम नायक जो कि इतिहास के पन्नों में दफन हो गए हैं उन पर लिख सकते हैं, दूसरा बच्चे इस बात पर लिख सकते हैं कि जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे 2047 का भारत कैसा होगा। आवाड़ी 12 दिसंबर ने जयपुर रमाए राखी जावाड़ी कांग्रेस की रैली बाबत भाजपा कहो है कि जिन भांत ओमिक्रोन का मामला बढ़ रहा है एड़ा बगत में कांग्रेस की रैली घातक साबित हो सके है। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा है कि एक कानी तो राज्य सरकार कोरोना रा बढ़ता मामला बड़ा चिंता जता रही है, दूजे कानी कांग्रेस की रैली ने लेर चुप्पी साध रखी है। वे कहा कि इन मामला ने लेर कांग्रेस का नेताओं में न्यारा न्यारा मत है। के मुद्दे के ऊपर जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन 12 तारीख को करने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस का फैलना शुरू हो चुका है और राजस्थान के अंदर भी इसके मरीज मिलने लगे हैं, एक तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट भी इस बात की चेतावनी दे रहा है कि इस संक्रमण की संख्या इस वायरस के अंदर ज्यादा है, तो क्यों नहीं अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इस तरीके के आयोजनों के ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इनकी है और कानून और प्रशासन का सारा महकमा भी इनके पास है, इसलिए जब चाहेंगे तब एडवाइस जारी करेंगे, लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी इस बात की आवाज भी उठने लगी है कि इस रैली को स्थगित किया जाना चाहिए। और जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी ने भी पत्र सोनिया गांधी जी को लिखा है कि इस वायरस के फैलते हुए स्वरूप को देखते हुए इस रैली को स्थगित किया जाना जरूरी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मेड़ता सिटी में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत राखी जाए शिविर रमाए लाभार्थियों ने पट्टा बांटा। शिविर रमाए घनी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहा। कार्यक्रम में बोलता थका यूडीएच मंत्री कहा कि इन अभियान के जरिए लोगारी समस्याओं और निपटारो बोका माड़ा ही करो जा रो है। वह अधिकारियों ने आपसी मेलजोल के जरिए अभियान ने सफल बनावारा हुक्म दीना। जयपुर और अलवर रे पछे भरतपुर में भी भाटा सो बनी मूर्तियां रो कारोबार बढ़पा लाग्यो है। भरतपुर जिला रा झालाटाला गांव में टोल टैक्स तक कने सु शुरू व्यो मूर्तियां रो कारोबार धीरे धीरे छोटा बड़ा कारखाना ताणी पूग चुक्यो है। ताजपुर गांव रा मूर्तिकार वीरेंद्र शर्मा मुन्ना लाल रे मुजब वाली मूर्तियां री मांग अब 1200 भी आबा लागी है। और यहां भी हमने नया नया कारखाना डाला है, यहां अच्छी मजदूरी पड़ जाती है और जैसा भी कोई बनवाना चाहता है वैसी मूर्ति हम बनाते हैं, देवी देवताओं की बनाते हैं, इंसानों की भी फोटो वगैरह बनाते हैं और यहाँ अच्छा चल रहा है हमारा कारोबार। इस काम में हमारे को 700-800 रोज़ पड़ जाते हैं और जैसी मूर्ति होती है वैसा ही टाइम लगता है, बड़ी में थोड़ा ज़्यादा लगता है, छोटे में थोड़ा कम समय लगता है। मेरे पास 1 दर्जन कारीगर काम करते हैं, मार्बल की मूर्ति छोटी से लेके बड़ी मूर्ति तक तैयार करता हूँ, जो कि हर मूर्ति की 1000 से लेके 5 लाख तक की मूर्ति तैयार करता हूँ। जयपुर ग्रामीण पुलिस लाडला दीना नरेना पर भी बूढ़ी लुगाई की मौत रा मामला रो खुलासो करी है। सीओ अशोक चौहान रे मुजैब इन मामला में लुगाई रा पड़ोसी समेत 5 दूजा जना ने गिरफ्तार करो गयो है और जांच जारी है। जोधपुर पोलो और इक्विस्ट्रियन इंस्टीट्यूट जोधपुर का निशु चलाया जा रहा 22वां जोधपुर पोलो सीजन में मेयो टीम उम्मेद भवन पैलेस कप जीती है। मेयो टीम 5 बोल अंतराल से फाइनल मैच में या जीत हासिल करी है या मुकाबलो मेयो और उम्मेद भवन टीम रे बीच अवियो। कुछ ये है कि फिर से हम बोल कर पा रहे हैं, अगले साल कोविंद हिसाब से हमने किया था लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं,
लेकिन उस टाइम स्पेक्टेटर नहीं थे लेकिन खिलाड़ी आए थे और टूर्नामेंट चले थे। ये जोधपुर पोलो सीजन जो है उसका शुरुआत हो चुकी है और अभी हम जो है उम्मीद भवन पैलेस कप जो चल रहा है अपना वो आज उसका फाइनल्स है। 6 तारीख को हमने उम्मीद भवन पैलेस कप शुरुआत किया था और इसके अंदर 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद के अंदर जो है आज ही इनका फाइनल्स है। फाइनल्स होने के बाद में 10 तारीख से हम जो है अपने आईपीए के पोलो टूर्नामेंट शुरू करेंगे और इसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और देश के बड़े बड़े खिलाड़ी तक सबको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत मतलब बड़ी देन है। ये प्रदेश में भ्रष्टाचार ने खत्म करवा खातर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरी सावचेती बरत रही है। ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी रा मुजब जे कोई भी मिनक जायज काम खातर घूसरी मांग कर रहे तो लोग बिना डर एसीपी रा हेल्पलाइन नंबर 1064 माथे कॉल कर सके है। इन माथे एसीबी का निशु तुरंत कार्रवाई करी जावे है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस रे मौके माखा खबर नवीस मनीष शर्मा एसीबी रा महानिदेशक सो खास बातचीत करया। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर हमारे साथ हैं एसीबी के डीजी बीएल सोनी साहब। हम उनसे जानते हैं कि विभाग किस तरह से लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि अगर कोई भी लोक सेवक चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो उनसे उनके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगे टालम टोल करे और कोई और फेवर मांगे तो आप हमारे पास आइए हमसे संपर्क कीजिए। हमारा 1064 हमारा नंबर है जो 24 घंटे चलता है हमारा कोई अधिकारी उस पर बैठता है। आप 1064 पे कॉल करिए हम आपके पास ही पहुंच जाएंगे अगर आपकी सूचना बिल्कुल सटीक है और आपने रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को चिन्हित कर रखा है तो हम एसीबी आपके द्वार के तहत हम आपके पास ही पहुँच जाएंगे और हम मिलकर के उस भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ेंगे। सर एक साल से ज़्यादा की जो है आपको विभाग में समय हो गया और 500 से ज़्यादा जो है कार्रवाई आपकी तरफ से की गई किस तरह के चैलेंजेस जो है आपके सामने आए। कई बार परिवादियों में एक डर का माहौल भी रहता है। परिवादियों के पेंडिंग काम प्रायोरिटी पे पूरे हों प्राथमिकता पे पूरे हों इसके लिए पहले तो एक सर्कुलर जारी किया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जो प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग हैं वो हर 2 महीने में मीटिंग लेते हैं उन सभी विभागों की जिनके विभागों के प्रति परिवादियों ने ट्रैप करवाया भ्रष्ट अधिकारी को और उनके काम पेंडिंग है। तो इससे जो परिवादी पहले हताश हो जाता था कि मैंने ट्रैप तो करा दिया लेकिन पूरा विभाग उसके खिलाफ हो रहा है उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। दूसरा एक रिवॉल्विंग फंड भी स्वीकृत किया गया है आने वाले समय में जो परिवादी गरीब हैं जिन्होंने कि ट्रैप में पैसा लगा दिया और कोर्ट से छूटने में समय लगता है तो वो भी पैसा उनका पुनर्भरण करने में सहूलियत मिलेगी। अभी हाल ही के कुछ समय पहले जो है आपके विभाग की ओर से ग्राम सजग योजना शुरू की गई है ये योजना क्या है किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। अगर आपसे कोई जायज़ काम के लिए पैसा मांगे तो आप हमारे पास आएँ उसी मंतव्य को लेकर के प्रत्येक यूनिट ने एक थोड़े से पिछड़े हुए गांव को सेलेक्ट किया है गोद लिया है वहां पर हम पहले चरण में समस्त ग्रामवासियों से ये शपथ दिलाएंगे उनको जागरूक करेंगे कि आपको अपने जायज़ काम के लिए बिल्कुल कभी पैसा नहीं देना है। तो ये है हमारे साथ में जो है एसीबी के डीजी बीएल सोनी साहब जिनका पूरा प्रयास है कि एसीबी के प्रयासों को एक ग्रास रूट पर ले जाया जाए यहाँ तक कि गाँवों में भी ये जागरूकता फैलाई जाए कि बिना रिश्वत दिए भी आपका कार्य बखूबी और पूरी तरह सफलता से ईमानदारी से किया जा सकता है। जयपुर से मेरे कैमरामैन सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ मनीष कुमार शर्मा डीडी न्यूज़। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब राजधानी रालूका में भी बिना नकदी लेन देन खातर जागरूकता बढ़ी है। अब अठे दुकान और पेट्रोल पंप माले आबाड़ा लोग ऑनलाइन तरीका से भुगतान कर रहा है। लोगों का कहना है कि इन सुविधा ने कैशबैक समेत कई फायदा मिल रहा है। प्रदेश में घनकरी जगह कमो कम तापमान में कमी आवासों जाड़ा में बढ़ोतरी हुई है। किणी जगह कोरो छाया रह बासू गाड़िया री आवाजाही में परेशानी बढ़ी है। सबो कम तापमान सीकर जिला रा फतेहपुर में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो।
और अब खास खबर एक बार फिर। सीडीएस विपिन रावत रिमोट मलय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में दीना बयान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी जताया दुख, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राखी जी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जनरल विपिन रावत रिमोट ने बताया कदे नहीं भरियो जा वालो नुकसान, ट्विटर जरिए जताया दुख, हादसा में झुंझुनूरा स्क्वाडर लीडर कुलदीप सिंह राव रिमोट मले भी जताया दुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 18 बरस उबत्ती उम्र आला सगला लोगों के टीका रो लक्ष्य पूरा करवारा दिना हुकम, कोविड-19 संक्रमण की स्थिति मले उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ने कर संबोधित। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत राखी जाए शिविर में बांटिया पट्टा, अधिकारियों ने आपसी मेलजोल के जरिए अभियान ने सफल बनावारा दिना हुकम। और प्रदेश में घनकरी जगह तापमान में कमी के कारण जाड़ा में बढ़ोतरी, शेखावाटी राफतेहपुर में पारो जमाव बिंदु रहा रजार है, राजधानी जयपुर में पारो पुग्यो 10 डिग्री सेल्सियस मात है। इंड साथ ही खबर आठ पूर्वी सा नमस्कार।